झारखंड में जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत जोर से चल रही है। कुछ दिन पहले भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हुई मिलन समारोह में विपक्ष के 6 विधायक के साथ साहिबगंज के कांग्रेस प्रदेश महासचिव बजरंगी प्रसाद यादव अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। रांची से लौटने के बाद कार्यकर्ताओं ने बजरंगी प्रसाद यादव को फूल माला पहना कर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि विकास एवं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं की जानकारी लोगों के बीच जाकर बताने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। आप सभी जानते थे कि कांग्रेस के मैं प्रदेश महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर रह चुका हूँ और विगत 25 वर्षों में जो कांग्रेस के समय जो व्यतीत किए हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस में बहुत सम्मान भी मिला है। लेकिन हाल के दिनों में जो विगत विधानसभा इलेक्शन 14 में आप देखे होंगे यहाँ पर लोकसभा तो जेएमएम को दे ही दिया गया, विधानसभा भी गठबंधन में चला गया, आरजेडी चला गया। इस बार भी लोकसभा जेएमएम को मिला, विधानसभा भी जेएमएम ले, तो फिर कांग्रेस के सिपाही यहाँ क्या करेंगे? अगर वो जो राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक के जो नेता हैं वो तमाम लोग लक और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश और राज्य आगे बढ़ रहा है, लोगों का में विश्वास बढ़ रहा है। सबरंग समाचार के लिए साहिबगंज से अरविंद की रिपोर्ट।